सीधा शादी मुबारक में होगा बड़ा ट्विस्ट। आप सभी देख रहे हैं कि यहाँ पर वो हार जो यहाँ पर केटी के पिताजी उनकी माँ के लिए लाए हैं, वो हार यहाँ पर चोरी हो जाता है। दरअसल ये चोरी नहीं हुआ है, इसे चुराया है नंदिनी ने, और नंदिनी यहाँ बहुत बड़ा ड्रामा क्रिएट करती है। वो सबके सामने ऐसा जताती है कि ये हार उसने नहीं बल्कि प्रीति के बेटे तरुण ने चोरी की है। वो यहाँ पर देखती है, मौके का फायदा उठाती है कि तरुण आता है यहाँ पर, और तरुण इस घर में जब आ रहा होता है उसी समय ये हार चोरी हो जाता है। ऐसे में सब लोग इस बात को लेकर बहुत परेशान हो जाते हैं और सभी सोचते हैं कि क्यों ना सीसीटीवी चेक करें, जिससे पता चल जाए कि आखिर इस घर में बाहर का कौन आया था जिसने हार चोरी किया। और सीसीटीवी में यहाँ पर तरुण नजर आता है। यहाँ सब लोग तरुण पर इल्जाम लगाते हैं। ऐसे में प्रीति को सच पता है कि वो हार कहाँ है, क्योंकि उसने वो हार नंदिनी के कमरे में देखा है और अर्जुन के हाथ में देखा है। वो यहाँ पूरे परिवार को बताती है कि अर्जुन ने उस हार को चोरी किया है। अब देखते हैं कि क्या प्रीति ये बात साबित भी कर पाती है।